अक्सर आप फिल्मों में देखे होंगे कि अपराधी हत्या करने के बाद थाना में जाकर आत्मसमर्पण कर लेता था, वहीं आज ये रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ गया है। मामला है झारखंड के चक्रधरपुर में देखने को मिला। चक्रधरपुर के हथनाबेड़ा गांव में शुक्रवार देर रात पत्नी ने धारदार हथियार से पति की हत्या कर दी, जिसके बाद शनिवार की सुबह पत्नी खुद थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान पुलिस ने घटना से संबंधित जानकारी, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना टोकलो थाना अंतर्गत हथनाबेड़ा गांव की है। घटना के संबंध में टोकलो थाना प्रभारी विल्सन गुड़िया ने बताया कि घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक 42 वर्षीय बुधराम सामट का कुछ वर्ष पहले सीमा हुनहागा के साथ शादी हुई थी, लेकिन दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे। हालांकि पड़ोस के लोग दोनों को काफी समझाते थे, लेकिन दोनों नहीं माने। शुक्रवार की रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने धारदार हथियार से पति के सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं शनिवार की सुबह पत्नी ने खुद को थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।